संस्कार धानी की छात्र राजनीति से उठकर देश के राजनीतिक आकाश में दमकने वाला सितारा पंचतत्वों में विलीन हो गया। बात शरद यादव की हो रही है, जो अपनी बेबाक छवि के कारण पूरे देश में पहचाने गए। जबलपुर की जनता ने उन्हें पहली बार चुनकर संसद में भेजा था, तब से जबलपुर उनके मन में बसा रहा। संस्कार धानी को रेलवे जोन और ट्रिपल ITDM और दिल्ली मुंबई की कनेक्टिविटी देने वाली अनेक ट्रेनें और डुमना एयरपोर्ट के उन्नयन की सौगात देने वाले जननायक शरद यादव इस दुनिया से विदा हो गए हैं। शरद यादव के निधन की खबर से उनके चाहने वालों में शोक व्याप्त है। 75 वर्ष की आयु में शरद यादव ने भारत की राजनीति में कई कीर्तिमान स्थापित किए। अपनी बेबाक छवि के कारण शरद यादव की एक अलग पहचान रही। वह 5 बार लोकसभा सदस्य और 4 बार राज्यसभा सदस्य चुने गए। केंद्रीय खाद्य मंत्री एवं कपड़ा मंत्री रहे। शरद यादव का जबलपुर से बेहद करीबी नाता रहा। यहां उनके चाहने वालों की कमी नहीं है। छात्र जीवन के उनके साथी उदास हैं। भाई उनको देख के तो राजनीति हमने भी करी शुरू। अगर वो ना होते तो हम राजनीति ना करते। उनको देख के अच्छा, उनका बड़ा शहर में पूरे संपर्क रहा हर घर जगह। अच्छा, वो थोड़ा राजनीतिक दिमाग शुरू से ही थे। जब वो कॉलेज पढ़ते रहे यूनिवर्सिटी ना, तो उनके दिमाग में था कि हमको राजनीति करना है। अपने समझ में जो टाइम नहीं आता रहा कि राजनीति, मगर उनके दिमाग में भी रहता रहा। तभी तो उनको 72 में आप याद करो मीसा लग गया रहा जबलपुर में। सेठी जी मुख्यमंत्री थे, और आपको याद होगा किसी को कि एक बार UP में पुलिस ने विद्रोह कर दिया रहा, तो वहाँ बगावत हुई, कमलापति त्रिपाठी की सरकार गिर गई, विद्रोह हो गया रहा। तो उसके समर्थन में इनने अभी कहा, यहाँ छपवा दिया रहा कि आप लोग भी सहायता करो, तो हम भी यहाँ भी। तो इनको मीसाएँ बंद कर दिया जेल में। उस टाइम नगर निगम के चुनाव हो रहे थे, जिसमें KL दुबे बने रहे मेयर, समाजवादी पार्टी से ही बने थे वो। तो इनको मीसा में डाल दिया। फिर 3 महीने सरकार चालान पेश नहीं कर सकी हाईकोर्ट में। इन्हें हाईकोर्ट लगाई कि भाई हम पे जो जुर्म लगे हैं, चार्जशीट पेश करो। तो ये चार्जशीट पेश नहीं कर पाए। तो GP सिंह चीफ जस्टिस थे हाईकोर्ट के, उनके यहाँ फाइल लगी। तो उन्होंने नहीं है, तो उन्होंने फाइल फेंक दी। फिर इनको छोड़ो, जब आप चार्जशीट नहीं पेश कर पाए 3 महीने के अंदर, तो उनको छोड़ दिया गया। बड़े दुख की बात है, जबलपुर के पूर्व सांसद कैबिनेट मंत्री शरद यादव जी का देहांत हो गया। जबलपुर में युवा शक्ति को, छात्र राजनीति को एक नया रास्ता दिखाया था देश में। जयप्रकाश जी के नेतृत्व में एक आंदोलन की शुरुआत हुई थी। पूरे जबलपुर के छात्र एक हो गए थे शरद यादव जी को जिताने के लिए। उस समय छात्र राजनीति पूरे देश में हलचल मचा चुकी थी, और शरद यादव जी ने जबलपुर का नाम दिल्ली की लोकसभा में इस प्रकार से गौरवान्वित किया कि हर व्यक्ति ये देख रहा था कि जबलपुर से कौन जीत कर आया, कौन जीत कर आया। वो नाम था शरद यादव। जबलपुर को अनेक सौगातें मिली, कुतुब ट्रेन मिली, रेलवे जोन मिला, ट्रिपल IT मिली, और एक ऐसे ऐसे हब दिए शिक्षा के विषय में। शरद यादव जबलपुर के प्रति नई भी थे यहाँ से सांसद, तो चिंतित रहते थे। हम अपनी ओर से, सभी जबलपुर वासियों की ओर से उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। शरद यादव को देवा के मुंगोड़े बेहद पसंद थे। वह जब जब जबलपुर आते थे, तब घमंडी चौक के पास स्थित देवा की दुकान जरूर पहुँचते थे। देवा की दुकान में शरद यादव की तस्वीरें लगी हैं, जो पुरानी दास्तानें बयां कर रही हैं। देखिए, शरद यादव जी का एक नाता कहें तो ये था कि जब भी वो जबलपुर आते थे, चाहे वो कपड़ा मंत्री हों, चाहे केंद्रीय मंत्री रहे हों, और चाहे पूर्व सांसद भी रहे हों, सबसे पहले वो शहर आए हैं तो दुकान पर ज़रूर आते थे। और पापा से और उनका ऐसा लगाव था कि वो सिर्फ एक ही कहते थे, देवा भैया हमने सबको तो सब कुछ दे दिया है, लेकिन जब भी मैं शहर आऊँगा तो आपकी दुकान पहले आऊँगा। और जो मंगोड़ों का स्वाद था, तो वो आज भी, कुछ ही दिनों पहले तब उनके PA का मेरे पास फ़ोन आया, तो वो पूछ रहे थे कि भाई दुकान कैसी चल रही है, कैसी नहीं चल रही है। और अभी तब 2008 में पापा को ऑपरेशन हुआ, तो उसको देखने के लिए भी वो दुकान पर आए, और उन्होंने अपना वो किया। शरद यादव के निधन से संस्कार धानी की अपूर्ण क्षति हुई है। जबलपुर ने अपना एक वजनदार और ताकतवर रहनुमा खो दिया है। शरद के चाहने वाले उदास हैं।